हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। जाओ और जाकर लंकेश को हमारी शक्ति और हमारी सेना के सारे भेद बता दो। ये चुनौती भी सुना देना कि जिस बल के भरोसे तुमने देवी सीता का हरण किया है, वही बल अब अपनी सेना और सारी शक्ति के साथ रणभूमि में दिखाना। इसके साथ ही राजा रावण को तपस्वी राम की यह ललकार भी सुना देना कि राम केवल अपनी पत्नी के लिए ही नहीं लड़ रहा, अखिल विश्व के नारी सम्मान की सुरक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए एक धर्म युद्ध कर रहा है। आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। श्री राम प्रभु की जय हो। पधारिये महाराज विभीषण, आसन ग्रहण कीजिए। क्या बात है बंधु, आज आपके शांत मुख पर उत्तेजना दिखाई दे रही है। श्री राम प्रभु के सम्मुख ले आओ दोनों को। कौन है ये दोनों? शुक और सारण, लंका नरेश रावण के विशेष गुप्तचर। इनमें से इन महाशय शुक को तो महाराज सुग्रीव भली भांति जानते भी होंगे। ये क्या रहस्य है कपिराज? ये भीषण रहस्य है। महाराज सुग्रीव अपनी महानता और मित्र धर्म पालन का बखान स्वयं अपने मुख से नहीं करेंगे, परंतु इन्होंने आपकी मित्रता के लिए बहुत बड़े प्रलोभनों को ठोकर मार दी थी। अच्छा, कुछ दिन पहले ये शुक बहुत बड़े प्रलोभन के साथ लंका के राजा रावण की मित्रता का संदेश लेकर महाराज सुग्रीव के पास आए थे। एक राजा दूसरे राजा के पास संधि संदेश भेज सकता है? इसमें कोई अनीतिपूर्ण कार्य तो हुआ नहीं? संधि संदेश का तो स्वागत करना चाहिए था। वो संधि का संदेश नहीं था, दो मित्रों की मित्रता के बीच दरार डालकर फूट डालने की कुटिल कूट नीति थी, मित्र द्रोह का निमंत्रण था। परंतु महाराज, मित्र धर्म का पालन करने के लिए रावण से शत्रुता का स्वागत करके इस ढीठ दूत को लौटा दिया था। सुग्रीव जैसे मित्रों से ही मित्रता की मर्यादा गौरवान्वित है। आज क्या संदेश लेकर आए हैं आप दोनों महानुभाव? आज ये कोई संदेश लेकर नहीं आए, ये गुप्तचर बनकर हमारी छावनी में हमारे भेद लेने आए हैं। अपनी मायावी क्षमता से वानर सैनिकों के रूप में वानर सैनिकों से हिल मिलकर हमारे निर्बल स्थलों का अन्वेषण कर रहे थे। ये वही कर रहे थे जो गुप्तचरों को करना चाहिए था। अब हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? गुप्तचर पकड़े जाएं तो उनके लिए मृत्युदंड निर्धारित है। पहली बार जब यह दूत बनकर आया था, उस समय राजनीति के अनुसार मैं चाहते हुए भी इसे मृत्युदंड न दे सका, परंतु अब यह गुप्तचर बनकर आया है, रणनीति के अनुसार इसे मृत्युदंड देना ही उचित है प्रभु। गुप्तचर का वध होना ही चाहिए, यही नियम है, युद्ध नीति है, राजनीति है। गुप्तचर को छोड़ देना रण में पराजय का कारण बन सकता है भैया। लक्ष्मण, जय और पराजय यदि गुप्तचरों के जीने मरने पर निर्भर हो तो शूरवीरता और रण कौशल व्यर्थ है। इन दोनों लंकावासियों को बंधन मुक्त कर दो।
प्रभु। क्या आप सब हमसे सहमत नहीं है? नहीं नहीं आर्य श्रेष्ठ, ये बात नहीं, इन्हें मुक्त कर दो। क्षमा दया निधान क्षमा, हम तो दंड के भागी हैं। प्रभु, महाराज रावण ने हमें आपका सैन्य बल, आपके मंत्रियों और महारथियों के पास क्या क्या शक्तियां हैं, उनके युद्ध संचालन का कौशल कैसा है, रण की योजना और निर्बल स्थानों का भेद जानने के लिए भेजा था। अपने राजा की आज्ञा का पालन कर तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ये सब छलबल रणनीति के अंग हैं। यदि तुमने सारे भेद प्राप्त कर लिए हो तो लंका में जाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने राजा को हमारे बलाबल से पूरी तरह परिचित करा दो। यदि अब भी कुछ देखना शेष रह गया हो तो निर्भय होकर तुम उसका भी अवलोकन कर सकते हो। महाराज विभीषण तुम्हें पूर्ण रूप से सब कुछ दिखा देंगे। महाराज विभीषण इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। प्रभु, आप जैसा उदार शत्रु मैंने आज तक देखा ही नहीं। इसलिए कि मैं किसी प्राणी का शत्रु ही नहीं, आपके दर्शन करके, आपकी उदारता देखकर हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गईं। शत्रु पर इतनी दया करने वाला पूजा के योग्य हो सकता है, शत्रुता के योग्य नहीं। ये ज्ञान दशानन को दे सको तो लंका का कल्याण हो जाए। अपने राजा से हमारा इतना संदेशा भी सुना देना कि केवल सेना की गिनती से और सेनापतियों के बल की थाह का भेद लेने से ही युद्धों का निर्णय और बैरी पर विजय प्राप्त नहीं होती। धर्म, नीति और सत्य ही यथार्थ शक्ति होती है। जीत सदा सत्य की होती है, अन्यथा हरेक शक्तिशाली आतताई अमर हो जाता। जो आज्ञा दया निधान। अयोध्यानाथ, अब हमें जाने की आज्ञा दे। जाओ और जाकर लंकेश को हमारी शक्ति और हमारी सेना के सारे भेद बता दो। ये चुनौती भी सुना देना कि जिस बल के भरोसे तुमने देवी सीता का हरण किया है वही बल अब अपनी सेना और सारी शक्ति के साथ रणभूमि में दिखाना। इसके साथ ही राजा रावण को तपस्वी राम की यह ललकार भी सुना देना कि राम केवल अपनी पत्नी के लिए ही नहीं लड़ रहा, अखिल विश्व के नारी सम्मान की सुरक्षा का आदर्श स्थापित करने के लिए एक धर्म युद्ध कर रहा है, जिससे भविष्य में ऐसी कुत्सित चेष्टा और ऐसा दुराग्रह कोई शक्तिशाली राजा न कर सके। जाओ।